पहले सुहागरा। कभी सोचा है सुहागरात से पहले सुहागरात का सरप्राइज, शादी से पहले सुहागरात का ये नया आइडिया ढूंढ निकाला है गुंजन और मयंक ने। बस अब गुंजन और मयंक की शादी होने वाली है और उन दोनों से वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि घर वालों ने हमें अल्टीमेटम दिया कि जब तक शादी नहीं होगी तब तक मिलना नहीं है। लेकिन मयंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोटी है, थोड़ा एक्स्ट्रा नोटी है, तो उसको जब तक वो रोज़ गुंजन की शक्ल ना देख ले उसका दिन पूरा नहीं होता, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करता रहता है। एक्चुअली कुछ ऐसा हो रहा है कि गुंजन को पहले तो लगता है कि वो सपना देख रही है, बट एक्चुअली में मयंक उसके पास आ जाता है जबकि उन दोनों को मिलना मना है। सब कुछ बिल्कुल शादी की तरह था, कमरा फूलों से सजा हुआ था, गुंजन ने दुल्हन जैसा लहंगा भी पहना हुआ था, मयंक के हाथ बंधे थे और आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। हम सोच में पड़ गए थे कि भाई गुंजन का आखिर इरादा क्या है, लेकिन जब मयंक की आंख खुली तो उन्हें शुभ विवाह से पहले ही मिल गया एक हसीन सरप्राइज। मैं तो कभी भी मर जाऊंगा, तुम क्यों बिल्कुल लग रही हो, मैं पागल हो जाऊंगा। अजी उसके बाद तो वो नाच हुआ कि बस पूछिए ही मत। मयंक ने गुंजन का दुपट्टा ओढ़कर नाच का नया रिकॉर्ड बना दिया। सुहागरात की इस अनोखी पिक्चर का क्लाइमेक्स तो मयंक के लिए भी बड़ा महंगा साबित हुआ। से पहले के जो दो दिन होते हैं उसमें ये सब करने का बहुत मजा आता है। एक्चुअली हमारा वो एम है नहीं कि हम लोग छुप छुप कर मिले, बट बिकॉज कुछ रीजन से गुंजन अपसेट हो जाती है तो मैं उसे मनाने के लिए आता है, एंड देन एज आई सेड मस्ती होती है खूब सारी। चलो आउट। क्यों? मैंने कहा इसलिए। चलो 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 जाओ। गुंजन और मयंक के प्यार का यही अनोखा पन तो दर्शकों को बहुत भाता है, क्यों सही कहा ना। हुआ गुंजन को मिल गया एक मुंह मीठा कर देने वाला सरप्राइज। सेट पे वेरी ऑनेस्टली मेरे एक ही बहुत ज्यादा फेवरेट है, ये बात बहुत दिल से बोल रही हूँ मैं, वो है निखिल मिश्रा जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, एंड आई थिंक वो बहुत ही स्वीट है। इनफैक्ट इस वक्त भी उनके हाथ में मेरे लिए एक चॉकलेट है, सो चलिए निखिल जी से मिलते फ्यू वर्ड। चॉकलेट है ये। रूपल के लिए। तो मानते हैं ना, 1000 में है हमारी गुंजन।